आज मैं आपके साथ कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। इनमें हम किसी भी तरीके का आटा, अंडा, बेसन, सूजी वगैरह कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ये बनाने में आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इनके साथ में बहुत ही टेस्टी सी चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। ये देखा आपने हमारे कितने बढ़िया एकदम सॉफ्ट कबाब बने हैं। चलिए फिर देर नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है। इसको धोने के बाद इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये मैंने मटन का कीमा लिया है, आप इसकी जगह बीफ का या फिर चिकन का भी ले सकते हो। अब इसको चॉपर में डाल देंगे। इसमें बाइंडिंग के लिए ये मैंने 4 ब्रेड ली हैं। इनको भी छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर इसी में डाल देंगे। अगर आपकी ब्रेड बड़ी है तो आप 2 ले लें, और अगर आप चाहो तो इसमें ब्रेड की जगह ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हो। अब इनको बारीक चॉप कर लेंगे। अब इसको किसी भी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाना चाहूंगी। कीमे को देखिए, इतना बारीक होने तक पीस लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं, इनको बारीक चॉप कर लिया है। प्याजों को इसी में डाल देंगे। करीब 12 से 15 कली लहसुन की ली है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इनको कूट लिया है। अब ये 2 हरी मिर्च ली हैं और 2 फ्रेश लाल मिर्च ली हैं, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है, इनको भी इसी में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। अब इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे। हम जिस तरीके से आटे को अच्छे से चिकना होने तक मसलते हैं, कीमे को भी उसी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से चिकना होने तक मसलेंगे। इसको इस तरीके से मसलने में करीब 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसको मसलते हुए करीब 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाना चाहूंगी। कीमे को देखिए, इस तरीके से अच्छे से चिकना होने तक मसलेंगे। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब इसमें से अपनी पसंद के हिसाब से कबाब बनाएंगे। हमें जितने बड़े कबाब बनाने हैं उतना कीमे का पोर्शन लेंगे। इसको देखिए, इस तरीके से हल्का सा गोल करेंगे। अब इसको दोनों हाथों के बीच में रखकर इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे। इसकी साइड को देखिए, इस तरीके से बराबर कर लेंगे। इसी तरीके से पूरे कीमे के कबाब बना लेंगे। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के बाद यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर जरा भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। ये मैंने पूरे कबाब बना लिए हैं, अब इनको फ्राई करेंगे। कबाबों को तलने के लिए मैंने तवा लिया है, आप कोई फ्राई पैन या फिर कढ़ाई भी ले सकते हो। आप जो भी बर्तन ले रहे हैं इस तरीके से थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। ऑयल को तवे पे सब तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब एक एक करके कबाब को तवे पे जमाएंगे। इस पे जितने भी कबाब आसानी से आ जाएंगे उतने जमा देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इनको सेकेंगे, जिससे क्या है ये अंदर तक अच्छे से पके। अगर फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये फ्राई तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको इस साइड से सिकते हुए करीब 2 मिनट हो गए हैं, अब इनको पलट देंगे। इनको सब तरफ से अच्छा सा कलर आने तक सेक लेंगे। ये कबाब क्या है, सेकने के बाद में थोड़े छोटे हो जाते हैं, इनको साइड में कर देंगे। अब ये जो जगह बची है इसमें और कबाब जमा देंगे।
अब कबाबों के साथ सर्व करने के लिए चटनी बनाएंगे। इसके लिए जार में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, इसमें 5 से 6 कली लहसुन की डालेंगे, यह आधा चम्मच जीरा है और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब ये 3 हरी मिर्ची लिए हैं, इनको भी कट करके इसी में डाल देंगे। ये 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी रफली कट करके इसी में डाल देंगे। आप इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इनको बारीक पीस लेंगे। चटनी को मैंने पीस लिया है, इसको देखिए इतना बारीक पीस लेंगे। अब इसको कटोरी में निकाल लेंगे। कबाबों के साथ सर्व करने के लिए चटनी भी बनकर रेडी है। कबाब भी देखिए सिक गए हैं, इनको सेकने में करीब 8 से 10 मिनट लगे हैं। अब इनको तवे पे से हटा लेंगे। ये मैंने पूरे कबाब सेक लिए हैं, इनको प्लेट में जमा लेंगे। इनको चटनी और कच्ची प्याज के साथ सर्व करेंगे। अब मैं आपको इनको चेक करके दिखाना चाहूंगी। ये देखा आपने हमारे कितने बढ़िया एकदम सॉफ्ट कबाब बने हैं, और यकीन मानिए ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बने हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा ज़रूर। और अगर ज़रा भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी।